A small town with demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from electric power plant generating power 440 volt. मतलब एक स्मॉल टाउन है जहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो 800 किलोवाट की है, जैसे हम लोग यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, और वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट का, जो 15 किलोमीटर दूर है फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो यहां पे ये मैं रेड कलर में शो करता हूं, ये समझो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है. ओके, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 15 किलोमीटर है, ये मतलब एक्चुअली ये पावर प्लांट है जहां पे ये ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और यहां पे टाउन में लगेगा स्टेप डाउन जो हमने थ्योरी में पढ़ा था. तो ये डिस्टेंस जो है ये 15 किलोमीटर है, और यहां पे जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू है 440 वोल्ट. राइट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओहम पर किलोमीटर. मतलब ये जो जिस वायर से या फिर जो हाई टेंशन वायर जिसको हम लोग बोलते हैं वहां से जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट होगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम पर किलोमीटर. मतलब अगर 2 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है तो रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा 1, 4 किलोमीटर है तो 2 हो जाएगा. राइट, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4000 टू 330 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. मतलब ये जो ट्रांसफार्मर यहां पे लगा हुआ है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू या फिर ये कितना डाउन कर सकता है, 4000 से 230 वोल्ट तक डाउन कर सकता है ये वैल्यू एट द सबस्टेशन इन द टाउन. तो सबसे पहले हम लोग यहां पे हमें यहां पे फाइंड करना है, ये पहला है यहां पे ए रहेगा. एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. हमें पता है कि जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे पावर लॉस होता है ड्यू टू जूल्स इफेक्ट. तो हीट के फॉर्म में अगर पावर लॉस हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि यहां पे पावर लॉस कितना होता है. ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं. सो ए, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे कि जो सब स्टेशन है या फिर टाउन सब स्टेशन जिसको बोलेंगे, मैं ये पहले रफ कर देता हूं, उसको क्लियर कर देता हूं. यहां पे टाउन सब स्टेशन जो है उसमें मुझे आउटपुट कितना चाहिए, यहां पे हमें आउटपुट पावर जो है वो चाहिए 800 किलोवाट जो यहां पे गिवन है, जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, जिसको हम लोग 800 इंटू 10 टू पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं. राइट, उसके बाद वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है वहां पे वो है 220 वोल्ट. इसका मतलब जो करंट वहां पे रिक्वायर्ड रहेगा वो कुछ इस फॉर्मूले से मिलेगा. वी नो पावर पी इज इक्वल टू होता है वी इंटू करंट. ये मैं सफिक्स एस लिखता हूं क्योंकि हमारे लिए ये सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी, ये प्राइमरी कॉइल होगी. राइट, तो आई सफिक्स एस सेकेंडरी में मुझे करंट चाहिए पी बाय वी, इतना दैट इज इक्वल टू 800 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइड बाय 220. तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो हमें एक सिंपल सा आंसर मिलेगा 40 डिवाइड बाय 11 इंटू 10 टू पावर 3. ओके, यहां से ये 202 कैंसिल कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया. तो बस ये तक हम लोग रखते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन यहां पे जरूरत नहीं है. तो ये चाहिए मुझे आउटपुट में. नाउ इनपुट में मुझे कितना मिल रहा है, मतलब प्राइमरी कॉइल में मुझे कितना मिल रहा है, ये जो सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर है यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि प्राइमरी में मुझे कितना सप्लाई मिलेगा. तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहां पे फिर से डायग्राम लोड कर लेते हैं. तो यहां पे देखो प्राइमरी में लिखूंगा, प्राइमरी करंट इन सबस्टेशन. ओके, तो प्राइमरी करंट कैसे मिलेगा, देखो हमें पता है कि कोई भी अगर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर हम लोग लेते हैं तो उसका इनपुट और आउटपुट पावर क्या होता है, सेम होता है. सो इट इज इनपुट पावर और ये रहेगा आउटपुट पावर. इनपुट पावर मतलब क्या हो जाएगा, वी इनपुट इनटू करंट इनपुट इक्वल्स टू वी आउटपुट इनटू करंट आउटपुट, ये हमें मिलेगा. या फिर सफिक्स में मैंने जैसे यहां पे पी लिखा तो मैं यहां पे एस लिख देता हूं क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल से हमें आउटपुट मिलता है, इट इज पी. ओके, नाउ जो इनपुट है मतलब कितना सप्लाई हो रहा है, देखो 4000, क्योंकि यहां से जो ट्रांसफार्मर लगा है पावर प्लांट में वो 440 वोल्ट को 4000 तक इंक्रीज कर सकता है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. तो मैं लिखूंगा यहां पे प्राइमरी में जो वोल्टेज आएगा वो 4000 रहेगा. राइट, प्राइमरी में कितना करंट आने वाला है ये हमें फाइंड करना है यहां पे. उसके बाद सेकेंडरी में मुझे आउटपुट कितना चाहिए, 220, तो ये लिखेंगे हम लोग 220 इंटू
करंट की वैल्यू जो है वो सेकेंडरी में रहेगी, अभी हमने फाइंड किया था, दैट इज 40/11 × 10^3, इतना करंट हमें सेकेंडरी में मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे प्राइमरी का करंट। सो I सफिक्स P कैन बी रिटन एज 220 × 40 × 10^3 डिवाइड बाय 11 इंटू, मैं 4000 को डायरेक्ट लिखता हूँ, 4 × 10^3। ओके, तो अब यहां पे देखो ये 10^3 कैंसल, उसके बाद इसको अगर कैंसिल कर देते तो ये 10 हो जाता है, राइट। और फिर मुझे यहां पे मिलेगा 220 को भी मैं 22 × 10 लिखूंगा × 10 डिवाइड बाय 4, तो अब ये होगा यहां पे 22/4 × 100। देखो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्ट कर लेते पहले, यहां पे ये 4 ना होते हुए 11 चाहिए था। ओके, तो इट वॉज 11 और फिर हमने 4000 को 4 × 10^3 लिखा था, तो 11 अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू है डिवाइड होके हो जाएगी 2, मतलब आंसर होगा हमारा 200 एम्पियर। तो इतना जो करंट है वो प्राइमरी से पास होगा, या फिर इतना जो करंट है इस हाई टेंशन वायर से फ्लो होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द करंट विच इज ट्रांसमिटिंग थ्रू द लाइन आई सफिक्स पी, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते फिर से। अब प्राइमरी में जो करंट आया था वो था 200 एम्पियर, तो हम लोग प्राइमरी का रेजिस्टेंस यहां पे फाइंड कर सकते हैं आर सफिक्स पी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट। यहां पे अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम में देखो वायर जो है 15 किलोमीटर का है और हमें गिवन था कि जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओहम/किलोमीटर है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 15 किलोमीटर × per किलोमीटर, कितना है वैल्यू 0.5 × यहां पे देखो दो वायर्स हैं इसलिए हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहां पे 15 ओहम, इतना यहां पे रहेगा रेजिस्टेंस। तो अब मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वी कैन फाइंड द पावर लॉस। सो पावर लॉस विल बी इक्वल्स टू I² × R, तो आई स्क्वायर मतलब कितना होगा, देखो आई की वैल्यू यहां पे रहेगी कितनी थी 200, तो 200² × 15, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो हमें वैल्यू मिलेगी 6 × 10^5 वाट, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 600 किलोवाट, इतना पावर लॉस होगा इस कॉइल इस वायर में, ये जो ट्रांसमिशन जो वायर है वहां पे 600 का लॉस होता है। नाउ जब पावर प्लांट से जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी तो वहां पे पावर लॉस हो रहा है 600 का और हमें रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो 800 किलोवाट की, तो जो सप्लाई जो होना चाहिए सप्लाई या फिर ऐसे लिख सकते पावर टू बी सप्लाइड, ये होनी चाहिए रिक्वायर्ड पावर पी सफिक्स में रिक्वायर्ड यहां पे लिख देता हूं और प्लस पी सफिक्स लॉस जितना लॉस हो रहा है, क्योंकि यहां से उतनी वैल्यू हम लोग डिलीवर करना पड़ेगा हमें जितना रिक्वायर्ड है प्लस जितना लॉस हो रहा है। तो देखो लॉस कितना हो रहा है 600 किलोवाट का हो रहा है और रिक्वायर्ड है 800 किलोवाट, मतलब टोटल जो पावर है मुझे यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा 1400 किलोवाट, इतना पावर जब मैं सप्लाई करूंगा तब जाकर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। तो पहला क्वेश्चन था हमारा पावर लॉस फाइंड करना, तो इतना पावर लॉस फाइंड करना पड़ेगा और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन में वापस चलते हैं सो दैट हमें क्लियर हो जाएगा कि सेकंड क्या फाइंड करना है। हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज निग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, तो कितना पावर यहां पे हमें सप्लाई करना पड़ेगा ये हमने फाइंड कर लिया अभी। सेकंड जो यहां पे दिया था अज्यूमिंग देयर इज पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ड्यू टू द लीकेज ड्यू टू द एडी करंट उसके वजह से भी पावर लॉस होता है, बट ये सभी चीजें हमें यहां पे निगलेक्ट करनी है, तो पावर लॉस हमें फाइंड करना था सिंपली ड्यू टू द रेजिस्टेंस, तो सेकंड का भी आंसर हमने यहां पे फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट, इसको कैरेक्टराइज करना है। ओके, तो चलो स्लाइड में चलते और समझ लेते कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। ये हमारा आंसर था बी का, नाउ वी विल फाइंड द आंसर फॉर सी, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सी। देखो कैरेक्टराइज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा है एट पावर प्लांट उसमें इनपुट वोल्टेज है 440 वोल्ट का और हमें यहां पे फाइंड करना है कि
जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा मतलब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है सो दैट वी कैन गेट द रेंज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर एंड दिस रेंज इज नथिंग बट द कैरेक्टराइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कितना स्टेप अप कर सकता है पोटेंशियल को या फिर पोटेंशियल कितना बढ़ा सकता है, राइट. तो कैरेक्टराइज हम लोग कैरेक्टराइस्टिक्स यहाँ पे फाइंड कर लेंगे. हियर इट इज कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ओके, तो हम लोग फाइंड करने वाले कि ये कहां तक क्या बोल सकते हैं इसकी रेंज बढ़ सकती है. ओके, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, पावर P इज इक्वल्स टू करंट इनटू पोटेंशियल. और क्योंकि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है सेकेंडरी में, V सफिक्स S और करंट रहेगा S. सो V सफिक्स S दैट इज इक्वल्स टू P अपॉन R सफिक्स S रहेगा. नाउ पावर, रिक्वायर्ड पावर कितना था, क्योंकि आइडियल अगर ट्रांसफॉर्मर है तो इनपुट और आउटपुट पावर सेम होता है, और इनपुट और आउटपुट पावर मतलब यहां पे हम लोग रिक्वायर्ड पावर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस वायर में पावर का लॉस हो रहा है और हमें रिक्वायर्ड की वैल्यू 800 किलोवाट की, तो रिक्वायर्ड पावर था 400 किलोवाट. इसको हम लोग 4 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय करंट कितना फ्लो हो रहा है. करंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी, इस वायर से फ्लो हो रही थी 200 एम्पियर, तो ये हो जाएगा इस तरह से. सो कैलकुलेट करते हैं इसको, ये 20 कैंसिल कर देते तो दैट इज 7 × 10⁻³ या फिर 7000 वोल्ट. मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये 7000 वोल्ट तक पोटेंशियल इंक्रीज कर सकता है. मतलब क्या हो गया कि इसका जो कैरेक्टराइस्टिक्स है वो हम लोग लिख सकते हैं 440 to 7000 वोल्ट. दिस इज व्हाट द कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर. ओके,